तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे लूप के ऊपर कि लूप का क्या यूज होता है, और लूप से रिलेटेड ही हम एक प्रोजेक्ट आपके साथ करेंगे। तो एक मान लीजिए मेरे पास सिंपल सा डेटा है, अभी इस डेटा को मैं बता रहा हूँ आपको, सिंपल सा डेटा है डेट वाइज। अब डेट जो है हमारा काफी बड़ा भी हो सकता है, डेट वाइज डेटा है हमारा, और यहाँ पे नेम है, नेम की लिस्ट है। अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो डेटा है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, मतलब डेटा जो है वो डेटा फॉर्मेट में नहीं, वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, जिस कारण से मैं इसके ऊपर मंथली एनालिसिस नहीं कर सकता, वीकली एनालिसिस नहीं कर सकता, इससे पिवट वगैरह नहीं लगा सकता। तो मुझे अगर मान लो अगस्त का टोटल चाहिए, या सितंबर का टोटल चाहिए, या अगस्त के चारों वीक का टोटल चाहिए, तो इस तरह की चीजें मैं अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे मैं पिवट लगाऊंगा एक हेडिंग के हिसाब से चला जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ट्रांसपोज कर लें, तो ट्रांसपोज करते समय क्या दिक्कत होगा, ट्रांसपोज में दिक्कत ये होगा कि ये जो आपका दिख रहा है ना हेडिंग, ये ऊपर चली जाएगी, नेम हो सकता है कि ए भी नीचे 10-20 हजार का डेटा हो, तो बीच में मुझे डेटा फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कि मुझे चाहिए यहाँ नेम, मुझे चाहिए यहाँ डेट और सेल, और मुझे इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर मैं डेट को कॉपी करूंगा, फिर यहाँ इस डेट को पेस्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं सेल्स को उठाऊंगा और सेल्स को यहां पेस्ट करूंगा। ओके, तो ऐसा करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसको वीवीए के थ्रू करना चाहता हूं। तो स्वाद जी और अभिषेक जी, प्रॉब्लम पता चल गया आपको, करना क्या है? यस सर, डेटा अगर हॉरिजॉन्टल में है तो उसका हम वर्टिकल में कैसे इनपुट पुट करेंगे? जी हाँ सही। तो इसके लिए चलिए हम प्रोग्रामिंग राइट करते हैं, इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, और इसमें मैं सब्जेक्ट देता हूं आरआर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे देता हूं लूप बिफोर आई इक्वल टू चले 2 2। अब इसका कॉलम जो है वो तो यहां है, तो मैं यहां दूंगा रेंज एक्स एफ डी 1 डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट डॉट कॉलम नंबर। तो ये क्या हुआ कि जितना हमारा कॉल डेटा कॉलम है उतना बार मुझे रन करना है। अब इसमें मुझे A2 से लेके A13, अब A मैं फिक्स कर रहा हूं, बट आप डायनेमिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पे करना है हमें रेंज A2 से A13 है ना, या A13 डॉट कॉपी, हमें कॉपी करना है। फिर हमें पेस्ट कहां करना है, पेस्ट करना है। अब मान लो सेम सीट पे, अगर डिफरेंट सीट पे होगा तो आपको डिफरेंट ले जाए कीजिएगा, सेम सीट पे है तो मुझे A कॉलम में नीचे से ऊपर और इसके नीचे आके पेस्ट करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो इसको कॉपी करेगा और यहां पे पेस्ट कर देगा। अब जो पेस्ट हुआ है उसके अगले कॉलम में जो है इस पे मुझे इसका डेट जो है डालना है, तो अगले कॉलम में सबसे पहले आना पड़ेगा ना मुझे, तो यहां लिखेंगे रेंज A65000 डॉट एंड एक्सेलस ऑफ डॉट ऑफ सेट, और इसमें हम करेंगे 0 रो और इसकी अगली कॉलम,
डॉट स्लैब, देन अगेन हम करेंगे रेंज एक्टिव सेल और एक्टिव सेल डॉट एन एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट, क्योंकि एक्सलेस अप मान लीजिए यहां पे होगा तो क्या होगा कि ए डेट को भी पिक कर लेगा, बट मुझे डेट को पिक नहीं करना, मुझे इससे नीचे आना है यहां पे, इसलिए हमें ऑफसेट लगाना होगा और इसमें 1,0 करना होगा डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स, सेल्स में हमारा फिक्स 1 रो एंड आई कॉलम डॉट वैल्यू। अब बोलोगे सर एक साथ कई सारे सेल पे वैल्यू दे देते, मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है, पूरे सिलेक्टेड एरिया पे मान लीजिए 25 लिखना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि इसको 20 लिखेंगे, 20 को कॉपी करेंगे और फिर पेस्ट करेंगे, देन 20 यहाँ पे आएगा क्या? तो क्यों ना हम यहां एक दे, मैं अलग मैक को बना देता हूं, हम यहां लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू 20, जितना एरिया सिलेक्ट होगा वो पूरे एरिया पे हमारा 20 फिल हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हो गया, तो सेम चीज हम यहां कर रहे हैं कि जो सिलेक्टेड एरिया इसमें हमारा दूसरे नंबर एक नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम का डेटा फिक्स होता है कि डेट यहां पे फिल हो जाए। समझ में आया आपको सर? तो आप भी आए अभिषेक जी को, डाउट इज सेम सर, ये लास्ट जो लाइन लिखी है ना आपने जिसमें सेल वन आई डॉट वैल्यू दिया है, ये वाली लाइन नहीं समझ में आई थोड़ी, मतलब आधी समझ में आई, वो सेल वाली लाइन समझ में नहीं आई है। ये समझ में आ गई आपको? ये क्या? ये तो समझ में आ गया। तो सर इसके जो ये जो इस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा ना, हाँ, अब इसके जो वैल्यू होगी, अब सेल अभी हमें इसका चाहिए, तो हमें हमने जो रो 4i लगाया है कॉलम के लिए लगाया ना, एक बार चले दूसरा चले तीसरा चले चौथा चले, तो टू है ना सर, तो हमने बोला सेल्स, सेल्स में 1 रो एंड 2 कॉलम, तो 1 रो एंड 2 कॉलम, 1 अगस्त होगा, तो 1 अगस्त की वैल्यू 1 अगस्त यहाँ पे टाइप कर देगा, वैल्यू एंटर कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, रो तो हमारी एक ही रहेगी, बाकी कॉलम हमारा चेंज होता रहेगा, इसलिए हाँ सही सही समझ गया, समझ गया? यस सर यस सर। अब हम बात करते हैं अपने फिगर के, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू ब्लैंक हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम आर एज ए रेंज, ठीक है, और इसके ऊपर हम करेंगे सेट आर इक्वल टू, ये जो हमने दे रखा है ना सर, अब उसके बाद हम यहां पे सर अगर डायरेक्टली आर इक्वल टू रेंज दिया तो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू है, तो वैल्यू स्टोर नहीं होता, सेट होता है सर। किसी डेटा टाइप पे आप A1 की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, A1 को थोड़ी स्टोर कर सकते हो, जैसे लैंड होता है, जमीन होती है, और जमीन ट्रांसफर होती है ना, बेची थोड़ी जाती है। ओके ओके अंडरस्टूड। उसी तरह से A आपका असाइन हुआ, स्टोर नहीं होगा, हम डायरेक्ट अगर सेट ना लगाया तो A हो जाएगा स्टोर, तो यहां पे एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी स्टोर नहीं होता है, सिलेक्ट होता है। अब मुझे जो है इस डेटा को कॉपी करना है, तो स्टार्टिंग हमें पता है और एंडिंग हमें पता है, तो यहां पे हम देते हैं रेंज, रेंज में हम देंगे सेल, सेल में हम बोला 2 नंबर रो एंड आई कॉलम स्टार्टिंग,
एंडिंग हो गया वापस सेल 13 नंबर रो एंड आई नंबर कॉलम डॉट कॉपी और फिर आर डॉट पेस्ट स्पेशल नहीं आर डॉट ऑफसेट होगा ना आर डॉट ऑफसेट 0 रो एंड 2 कॉलम मतलब कि ये जो आर हुआ इसका हुआ ना सर यहाँ पे आर जो होगा क्या होगा इसको पेस्ट करने से पहले यहाँ आएगा और ए आएगा तो ये जो हुआ तो इसकी इस पे चाहिए ना मैं पेस्ट करने के लिए यहाँ चाहिए ना सर तो इसके लिए हमने यहाँ पे 02 दिया और यहाँ डाला पेस्ट स्पेशल अब मेरा ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा एक बार मैं ट्राई करके देखता हूं मैं यहां पे ट्रिपल आर को ओपन करके रन करता हूं ओके सही है सर यस सर यस सर तो हमने सेल्स पे एक मिनट उस कोड वाली उस पे जाएंगे आप विंडो पे हाँ बताइए इसमें जो है ना रेंज जो छठवीं लाइन में हमने दिया है ना सेल्स 2i और सेल्स 39 तो इसको अगर डायनेमिक करना हो तो इसको हम कैसे करेंगे जैसे 39 सर यहाँ पे हम डायनेमिक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसके नीचे ही है ना अदरवाइज हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं जैसे इसको किया है इस तरह से अच्छा समझे एक काम करता हूँ एक काम करता हूँ अब मैं इसको किसी और शीट पे ले जाता हूँ ठीक है ना ताकि मैं इसको डायनेमिक कर सकूं एज पर योर रिक्वायरमेंट तो इसमें हमने सबसे पहले यहाँ पे रेंज इसको आपको करना पड़ेगा ओके और यहां एंड कहां होगा एंड होगा रेंज A1 A65000 डॉट एंड एक्सलेस आप डॉट एक्सलेस आप होगा ऑफसेट लगाने की जरूरत नहीं है समझे लेकिन इसके आगे हमें सीट का रेफरेंस देना होगा कौन सा सीट पे करना है सीट 2 पे करना है तो हमें सीट का रेफरेंस देना होगा दोनों तरफ सीट और यहां पे सीट 2 और सीट 2 सिर्फ यहीं पे नहीं लगेगा सीट 2 हमें इसके अंदर भी लगाना होगा माफ कीजिएगा सीट 2 नहीं क्योंकि अभी हाँ सीट 2 नहीं होगा क्योंकि ये इसी सीट पे है ना सीट 1 पे कहीं कॉपी कर रहे हैं ना तो ये डायनेमिक आपका हो गया कॉपी डायनेमिक हो गया 13 को अब जैसे कि आप यहां बोल रहे हैं कि यहां भी डायनेमिक होना चाहिए पे 2i तो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो कंफर्म है हमें 13 को डायनेमिक करना है ना सर तो 13 में हमें यहीं पे करना है डॉट रो अब जहां हम पेस्ट कर रहे हैं ध्यान रखिएगा पेस्ट कर रहे हैं वहां पे हमें शीट्स लेके जाना होगा शीट्स शीट्स और यहां डेटा और एक शीट्स यहां भी आएगा आर पे भी मैं पेस्ट कर दिया अब इस लाइन को हमें करना पड़ेगा ऑटोमेट बात समझ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसके आगे हम इसको भी असाइन कर देते हैं डिम के एज अ रेंज और यहां करते हैं सेट के और फिर इसके आगे हम शीट का शीट यहाँ पे
शीट टू दे देते हैं बिना जोड़ी होता, ठीक है, और डॉट सेलेक्ट मैं हटा देता हूं, और यहां जहां हमने एक्सिस से डॉट सेलेक्ट हटा देना है, और जहां हमने यहां एक्सिस सेल दिया है ना, एक्सिस सेल की जगह पे के हो जाएगा और यहां भी के हो जाएगा, और इसके आगे हमें शीट लगाने पड़ेंगे, शीट शीट टू then value equal to sales 1 comma i, अब मेरे हिसाब से वर्क करना चाहिए डिफरेंट शीट पे, देखता हूँ कहीं पे एरर होता है तो बात चेक कर लेता हूँ, हाँ एरर आ गया, आउट ऑफ रेंज। अरे शीट का नाम हमने डेटा क्यों दिया है? हाँ शायद यही दिक्कत है, नीचे वाले में भी दिया है हमने इसी सेम। शक्ति आ गया सर और ऑटोमेटेड हो गया। अब बताइए इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का डाउट या क्वेश्चंस वगैरह? सर ये जो सेट हमने किया ना, सेट आर एंड सेट के, तो ये पूरा एक जो हमने डिफाइन किया है वो पूरे पैकेज को वो डिफाइन वो ऑब्जेक्ट को जी के पे ले लिया उसने, और ऐसा ना करता तो मुझे पूरा का पूरा पाथ जो है इसमें लिखना पड़ता यहाँ पे के की जगह पे, तो कितना बड़ा लाइन हो जाता सर, देख रहे हैं ना आप? यस ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेट कर दिया यहाँ पे ताकि हमें दिक्कत ना हो। ओके सर समझ गया, समझ गया। यस सर। और आर को भी ऐसे हमने कर लिया, अब देखिए आर डॉट ऑफसेट और पेस्ट स्पेस सिंपल कर दिया, अदरवाइज मुझे पूरा लेना पड़ता है, लिखा है आपको सर। ऐसे अगर डिफरेंट वर्कबुक में होता, एक फाइल से दूसरे फाइल पे होता तो और तो इसके आगे वर्कबुक ऐड हो जाता ना। करेक्ट करेक्ट, जहां पे हमने शीट दिया है शीट तो रहते ही रहता, वो वर्कबुक भी ऐड हो जाता। जी हाँ जी हाँ, ये ट्राई करके देखिएगा, आपका यही आज का होमवर्क हुआ। अब इस कोड को रेफरेंस में लीजिए और आप जो है पहले मैंने क्या किया, एक ही चीज देखिए वन बाय वन चलना चाहिए। हमने पहले क्या किया, विथ इन शीट किया, आपको समझ में आ गया, फिर मैंने मैनुअल किया उसमें भी, फिर मैंने उसको ऑटोमेट किया और एक शीट से दूसरी शीट पे लिखे गया। अब आपको क्या करें, एक फाइल से दूसरे फाइल पे ले जाइए। ओके ठीक है, तो आप एक फाइल से दूसरे फाइल पे ले जाइए और इसका कोड मुझे लिख के दीजिए। ओके सर। और कल अब हमने फोर इच लूप को अच्छे तरीके से समझ लिया है, कल हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में, फोर इच के बारे में, फोर आई को समझ लिया, फोर इच के बारे में हम कल से डिस्कशन करेंगे सर। ओके सर। फोर आई पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, किसी से अगर कंफ्यूजन होगा तो कल क्लास में पूछ लीजिएगा। ऐसे आप लोगों को बता दूं कि सेम टॉपिक में सारा दो पार के 12:30 बजे भी कर रहा हूं, तो आपका अगर वर्क फ्रॉम होम है तो 12:30 बजे भी ज्वाइन करके ले सकते हैं टाइम निकाल के, अगर निकलेगा तो पॉसिबिलिटी है तो। हाँ सर मैं अवेलेबल हूँ कल। कल नहीं सर, एवरीडे की बात कर रहा हूँ मैं। कब कब? सैटरडे।